नमस्कार, प्रणाम, गुड मॉर्निंग सभी सहारा पीड़ित जमाकर्ता साथी व सम्मानित कार्यकर्ताओं एवं एजेंट साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में आपके अपने YouTube चैनल इन्फॉर्मेशन विद पीके पर। मैं हूं पिंकू कुमार प्रजापत और आप देख रहे हैं इन्फॉर्मेशन विद पीके। दोस्तों, धीरे धीरे सहारा भुगतान को लेकर नई से नई राहत भरी खबर दिन प्रतिदिन सुनने को मिल रही है। क्या कुछ नई राहत भरी खबर है? जैसा कि आप लोगों ने वीडियो का थंबनेल और टाइटल देखा है कि सहारा के जो ऑफिस हैं पुनः खुलने वाले हैं और सहारा के ऑफिस से ही भुगतान होगा। सुप्रीम कोर्ट सहारा के ऑफिस खुलवाएगा और सहारा के ऑफिस के थ्रू जितने भी 12 से 13 करोड़ जमाकर्ता पीड़ित सदस्य हैं सहारा के, सभी का भुगतान काउंटर से होगा। और सभी का कहना भी यही है कि सहारा का भुगतान काउंटर से होना चाहिए, यानी कि ऑफिस खोलकर भुगतान होना चाहिए। पोर्टल से भुगतान लेना हम कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। हालांकि पोर्टल पर जो इस समय गतिविधियां चल रही हैं वो तो बात अलग की है, लेकिन फिर भी पोर्टल से भुगतान नहीं हो पा रहा है। तो आइए जानते हैं क्या कुछ नई खुशखबरी निकलकर आई हुई है हम सभी सहारा पीड़ित जमाकर्ता साथियों के लिए। देखिए, सहारा के ऑफिस रीओपन होंगे बहुत ही जल्द, लेकिन उसमें कुछ अभी तैयारियां हैं, वो तैयारियां सहारा प्रबंधन कर रहा है, ऐसी जानकारी निकल कर आ रही है। तो पूरी खबर जानना है तो वीडियो को लास्ट तक देखना है, काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो रहने वाला है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट करते हैं, हमारे चैनल पर वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि सहारा से रिलेटेड हर इम्पोर्टेंट अपडेट का नोटिफिकेशन आपके पास उचित समय पर पहुँचता रहे। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम आपका ज़्यादा समय न वेस्ट करते हुए सीधा वीडियो को यहीं से स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सहारा बंधु, हम बात करने वाले हैं कि सहारा के ऑफिस बहुत ही जल्द पुनः खुलने वाले हैं। दोस्तों, सहारा मैनेजमेंट जो है, सहारा प्रबंधन तैयारियों में जुटा हुआ है। जैसे ही भाई माननीय सुप्रीम कोर्ट जब ऑर्डर करेगा तभी सहारा के बैंक जो हैं रीओपन होंगे। बिना ऑर्डर के कुछ भी काम आगे नहीं बढ़ने वाला है। तो कब ऑर्डर होगा? लगभग क्या क्लियरली डेट मिल चुकी है माननीय सुप्रीम कोर्ट में, जो केस की सुनवाई है 8 नवंबर 2024, और आज डेट हो चुकी है 3 नवंबर। 3 नवंबर की डेट आज है और 8 नवंबर को माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक केस लिस्टेड है, उसकी सुनवाई होगी। उसी के दौरान सब कुछ क्लियर कर दिया जाएगा कि सहारा के जो ऑफिस हैं कब से खुलेंगे। देखिए, CRCS पोर्टल के पास 31 दिसंबर 2024 तक ही समय है भुगतान करने का, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 29 मार्च 2024 को 9 महीने का समय दिया था CRCS पोर्टल को, कि CRCS पोर्टल जो है 5000 करोड़ रुपए का भुगतान 9 महीने में लोगों का करेगा, सहारा पीड़ित जमाकर्ताओं का करेगा। तो 9 महीने पूरे हो रहे हैं 31 दिसंबर 2024 को, तो 31 दिसंबर 2024 तक CRCS पोर्टल जो है भुगतान करेगा। फिर उसके बाद में जो गतिविधियां बताई जा रही हैं तो उनके अनुसार तो देखा जा रहा है कि अब भुगतान ऑफिस से ही होगा। भाई, CRCS पोर्टल से जब भुगतान हो ही नहीं पा रहा है, इस समय जब नज़दीक मामला आ गया है तो पोर्टल ने थोड़ा बहुत काम धाम सही से करना स्टार्ट किया है। अब पोर्टल से कह रहा है पोर्टल कि अब डेफिशिएंसी भी दूर होंगी, हर एक प्रकार का ऑप्शन खुल रहा है, लेकिन इससे पहले कहाँ था? जो ये इतनी याचिकाएं दायर हो रही हैं, PIL दर्ज हो रही हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट में,
तो इससे काफ़ी बड़ा प्रभाव पड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट स्वयं आइडिया लगा रहा है कि इतनी PIL और रिट याचिकाएँ दायर की जा रही हैं, IA फाइल लगाए जा रहे हैं, तो इनका सबका रीज़न आखिर क्या है? जो 12 से 13 करोड़ पीड़ित जमाकर्ता साथी हैं, लगातार हाहाकार पूरे देश में मचाए हुए हैं। ऐसा कोई भी भारत का कोना नहीं है जहां पर सहारा के पीड़ित जमाकर्ता साथी ना हो, और सभी की अपनी मेहनत का कमाई का पैसा है। आखिर पोर्टल भुगतान नहीं कर पा रहा है, बार बार डेफिशिएंसी भेज रहा है, आवेदन को रिजेक्ट कर रहा है, मेंबरशिप की प्रॉब्लम है, कहीं कोई प्रॉब्लम है, छोटी छोटी त्रुटियां निकाल रहा है, जबकि त्रुटियां न होने के बावजूद। और एक बात याद आ गई कि जो अपने देश की वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने भी सदन में कहा था कि आप पेपर लेकर आओ, पैसा लेकर जाओ। तो भाई हम लोग वही चाह रहे हैं कि हम लोग पेपर लेकर आएँ और पैसा लेकर जाएँ। सहारा के जब ब्रांच खुल जाएंगे तो हम लोग स्वतः अपना बॉन्ड पेपर और जो भी रसीद सीद हों वो हम लेकर जाएंगे और नगद पेमेंट कैश ऑन हैंड लेंगे। लेकिन इस पर भी विचार नहीं किया गया। तो इसी को देखते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट स्वयं निर्धारित करेगा कि आखिर भुगतान होगा कैसे। तो जहां तक है, इस बार बहुत तेज़ी के साथ लोगों में एक्साइटमेंट है और कई संगठन के कार्यकर्ता साथी भी कह रहे हैं कि बहुत ही जल्द सहारा के ऑफिस खोले जाएंगे, लेकिन अभी क्लियर डेट नहीं आ रही है। क्लियर डेट जब ही आएगी जब माननीय सुप्रीम कोर्ट तय करेगा, अन्यथा इससे पहले कोई भी क्लियर डेट हम लोगों को नहीं मिल पाएगी। बस हम लोगों को 8 नवंबर का इंतज़ार है। जैसे ही 8 नवंबर की वो डेट आएगी, उसमें जो कुछ भी सुनवाई होगी वो तो क्लियर ही हो जाएगी, ऑर्डर कॉपी आ जाएगी, और 31 दिसंबर तक जो कुछ पोर्टल से भुगतान होगा वो तो हो जाएगा। फिर उसके बाद में जहाँ तक है, सहारा के ब्रांच बहुत ही जल्द खोलने की तैयारी की जाएगी। अभी सहारा मैनेजमेंट से एक लोगों की बात हुई, वीडियो के माध्यम से देखा, तो उसमें सहारा प्रबंधन खुद कह रहा है कि ऑर्डर आ जाए, आदेश हो जाए तो हम लोग ब्रांच खोल देंगे और सहारा पैसा देने को भी तैयार है। ऐसा नहीं है, लेकिन इसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट अब निर्धारित करेगा कि कब से भुगतान सहारा के ऑफिस से होना चाहिए, और थोड़ा बहुत सरकार भी अगर एक्शन ले ले तो और जल्दी कार्य हो जाएगा, लेकिन इस पर सरकार जरा सा भी एक्शन नहीं ले रही है दोस्तों। तो आज की जानकारी में बस इतना ही, थोड़ा बहुत इम्पोर्टेंट बातें थी वो हम आप लोगों के समक्ष शेयर कर चुके हैं। बाकी जो कुछ जानकारी होगी वो नए वीडियो में देखने को मिलेगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को हमारी तरफ से जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, जय जवान, जय किसान।